हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सामने। टाइम एंड वर्क का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में कर सकता है और इसी काम को एक लड़का 18 दिन में कर सकता है, तो एक स्त्री अकेली कितने दिन में काम पूरा करेगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का, है ना, ये कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं, है ना। पुरुष अकेला, यानी कि अकेला पुरुष कितने दिन में काम पूरा करेगा? 6 दिन में। और लड़का अकेला कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। तो आपसे पूछा गया कि पुरुष और लड़का, तो स्त्री कितने दिन में पूरा करेगी, है ना, यही क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि स्त्री कितने दिन काम पूरा करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी जितने दिन में काम पूरा करते हैं इनका अपने को एलसीएम लेना है। क्या करना है? इनका एलसीएम अपने को लेना है। तो 3, 6, 18 तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 18 आता है, है ना। कॉमन चीज देखिए, 3 का भाग लगाएं कितना आएगा? 6, यानी कि ये एफिशिएंसी, ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई? कार्य क्षमता, है ना। 3 6 18, 6 3 18, 18 1 18। अब अपने को देखना है कि देखो, इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6 दिन है, ठीक है। तीनों की टोटल योग में कार्य क्षमता कितनी है? 6 दिन है। तो जो तीनों अलग अलग है इसकी कार्य क्षमता का योग भी 6 होना चाहिए, इनकी कार्य क्षमता का योग भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता का योग भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, बस ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इसकी 6, तो इसकी कितनी है? 3 है। इसका 1, तो इसका कितना बचेगा? 2। ये 3 है, 4 ने, 2 6, तो इसकी इफिशियंस कार्य क्षमता कितनी आई? 2 आई। बस यहीं से इसको क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये 2 आया, 2 का इसमें भाग लगा दो, बस और क्या। तो 18/2 कितना है? 9 दिन। तो 9 दिन किस ऑप्शन में आ रहा? बी ऑप्शन, ये अपना राइट आंसर हो जाता है। बस कुछ नहीं करना, चाहे इसमें बोले कि ए बी सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी कितने दिन में करेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो भी यही सवाल है, ए बी सी आए तो भी यही सवाल है, राम राम सीता गोपाल कोई भी अगर नाम दे दे तो भी इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, और ए और सी इसका 36 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब इसने क्वेश्चन अलग दे दिया, देखिए इसको कैसे सोल्व करें। देखो, ए प्लस बी, है ना, दोनों कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। बी प्लस सी, ये कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में पूरा करेंगे। और ए प्लस सी, ये करेंगे 36 दिन में। तो आपसे क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे? वही ट्रिक अपनी, किसका एलसीएम अपनों को लेना है, ये वाला, बस। तो 18 24 36 का एलसीएम आएगा 72। एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसका इन तीनों संख्याओं को इसमें भाग जाता है, बस। अब यह कुछ बड़ा फैक्टर भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बड़ा भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि देखो, 36 लेंगे तो 18 2 36, लेकिन 24 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 18 4 72, 24 3 72, 36 2 72, तीनों का इसमें भाग जा रहा है। तो भाग लगा के देख लेते हैं, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, इसकी 4 आ गई, 24 2 48, 24 3 72, इसकी भी आ गई, 36 2 72, इसकी भी आ गई, है ना, तीनों का भाग इसमें चला गया। अब आपको देखना है कि जो तीनों का अलग अलग है, ये तीनों का इसके योग के बराबर होना चाहिए, इसकी कार्य क्षमता योग के बराबर होना चाहिए। देखो,
तो चार ने तीन सात ने दो नौ, चार ने तीन सात ने दो नौ, तो इसकी कितनी होगी नौ, है ना। अब नौ बट्टे दो होगी, नौ बट्टे दो होगी, क्यों। अब नौ बटे दो कैसे आया, देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ए कितनी बार आ रहा, दो बार आ रहा, बी दो बार आ रहा, सी भी दो बार आ रहा, तो ये टू कामन में आएगा, टू कामन में आएगा, जो टू कामन है तो टू ये नीचे आ गया, इसलिए इसकी कार्य क्षमता कितनी हुई नौ बटे दो हो गए। अब इसको सोल्व करेंगे, नौ बटे दो, सॉरी ये जो बहत्तर है, बहत्तर बटा ये संख्या नीचे आएगी, नौ और दो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसकी जो कार्य क्षमता होती है, इसका इसमें भाग लगा दो बस, और कुछ नहीं करना, इसका इसमें वापस भाग लगा दो, तो नौ आठी बहत्तर और आठ दूनी सोलह दिन, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सोलह दिन में काम को पूरा कर लेंगे, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।